अरे रिकॉर्डिंग का अलाउ कर। तो 82 जो है, 82 आप क्या बोल रहे हो भाई? वो जो है ना पेपर, मतलब वो जो चौल है मानसी, हाँ जी वो तो पोर्तुगीज के टाइम पे भी पढ़ा है। मैप देख लेना है बस, एनसीईआरटी के मैप्स में भी चौल मिल जाएगा। ठीक है, अरे हाँ पूरा इकादूरा, अच्छे से क्लिक कर अधूरा तो दीजिएगा। अच्छों को नहीं पता होगा, लेकिन चौल से पता लग सकता है, चौल। हाँ जी सर, और पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कह रहा है, एक ही डायनेस्टी में पिलग्रिमेज सेंटर सिर्फ फेमस रहेगा, बाकी हुआ क्या होगा? और स्टोन आर्ट आर्किटेक्चर तो पता होता, हाँ पता होता, और कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम तो पावरफुल तो पता होता पता तो होता। लेकिन पंगा क्या है ना, उस 1 मिनट में ऐसे सोचना, इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की जरूरत है। ये वहां नहीं सोच सकता आदमी बिना तैयारी के। कि यहां हम बोल रहे हैं पोस्ट फैक्टो, जब तुम इसको रेप्लिकेट करने चलोगे तो दिमाग फट जाएगा, बहुत प्रेशर आता है। चलिए नेक्स्ट फटाफट। अब देखो जीरो टिलेज एडवांटेजेस पूछ रहा है, पॉजिटिव है, यूपीएससी बहुत पॉजिटिव है। वो उस सख्त माँ बाप की तरह है जो गलत बात के ऊपर टांगे तोड़ देता है और सही बात पे बोलता है, ले बेटा रसगुल्ला खा मेरे हाथ से। तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि ये, मतलब ये मेरे साथ तो होता ही है कि व्हेन आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, व्हेन आई ट्राई टू बी स्ट्रिक्ट एंड ड्रेकोनियन, देन आई एम द बैडेस्ट बैडेस्ट गाई इन द वर्ल्ड। और फिर मुझे बोला जाता है कि आप तो अभी गुस्सा कर रहे थे, अभी आप ऐसे हो, तो फिर कैसे समझाऊं भाई, दोनों मैं ही हूं। तो एब्सोल्यूट में नहीं जाना है, बाइनरी नहीं है पेपर, बाइनरी नहीं है सर लेकिन पेपर, बाइनरी है। पहले वाला सेंटेंस बोल रहे हैं, सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। हाँ तो ये तो बिल्कुल, बात हो रहा है ना अच्छी सर, बात है। ये पंजाब में ये बात हो रहा है ना। दिल्ली और हरियाणा में यही तो लड़ाई है, यही रेजिड्यूज तो क्या लड़ाई है, जलाएंगे, क्या होगा, पराली हटाना है, नहीं जलाना है पराली उसको। हटाना है। तो जीरो टिलेज करोगे तो अपने आप वो जमीन के अंदर मिक्स हो जाएगा, हाँ विदाउट द यूज, विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सैडी सीड्स इन वेट सॉयल, पॉसिबल, वेट इज पॉसिबल, सॉयल 2 and 3 तो कार्बन इज सिक्वेस्ट्रेशन पॉसिबल होगा। पॉसिबल, बस हाँ दे रहा है वो, फ्री का नंबर दे रहा है वो। फ्री के तो लेती नहीं मैं। अकॉर्डिंग चलो नेक्स्ट, कोई नहीं सीख जाओगी, टू द इंडियन पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, हो पाएगा। हाँ देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, फिर वही खतरनाक। अब कौन याद रखता है ये सब? कह रहा है कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, व्हीट वो ग्रेन सही नहीं है। डैमेज्ड ग्राउंड नट सीड। अब तुम उनको मूंगफली खिलाओगी, वो भी अच्छे वाली, ग्राउंड ग्राउंड नट और हॉर्स ग्राम कैसे खिला सकती हो, इंसान को तो मिलते नहीं, तो ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि हाँ सर, 1 टी हम वो खाते हैं अक्सर रॉटन लिखा है, पर। डैमेज डैमेज ग्राउंड नेट सीड, ट्रू, हाँ सही है, ये पार्ट यही समय तो ध्यान भी से। मैंने कहा था जब पेपर आया था, मैंने कईयों को बताया भी, मैंने कहा यार ऐसे क्यों नहीं सोचा। हाँ तो क्या किया जाए, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ना, हाँ मेरे को भी जी नहीं पता साले क्या करने वाला है वो। अगर मुझे पता होता एग्जाम क्या करने वाला है तो ये तो आईटी पीएमटी का पेपर हो जाता, घूम फिर के वही आना है। वहां पर बच्चे को पढ़ाना है, यहाँ पर नौकरी मिलनी है भाई। बहुत फर्क है, अभी इस पेपर के बाद नौकरी है, वहां के बाद कोई 30 साल नौकरी, के लिए सर, वो भी 30 साल के लिए। सही कह रहा है ये, 7 साल नहीं के एक लिए, साल के लिए, और इंजीनियर प्रेसिडेंट नहीं हटा, है सर, 2 साल के प्रेसिडेंट हटा लिए। सकता है बस। सोचो कि उस नौकरी से मात्र आपको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, आप कुछ कर लीजिए, आप हटना चाहोगे तब भी नहीं हट पाओगे। वो महाराष्ट्र है ना सर, वही छह महीना और डीएम साल जो भर में था। फिर भी तनख्वाह आएगी, हटने के प्रोसीजर में सस्पेंड होने के बाद भी 50% तनख्वाह घर आती रहेगी। सोचो गजब है ना, तो भाई कुछ तो चाहिए ना इसमें। चलो नेक्स्ट, सोशल कॉस्ट ऑफ सोशल कार्बन नाम ये सर सिंह दिया, बस कॉस्ट है कार्बन का बेसिकली, तो हाँ इसमें लिखा हुआ है एफर्ट्स पुट इन बाय द क्लाइमेट रेफ्यूजी, ये गलत है फिर। हाँ ये गलत हो गई। हाँ हाँ तो नाम हाँ ये, लॉन्ग टर्म डैमेज बाय टर्न ऑफ CO2 एमिशन, डैमेज बाय CO2, ट्रू इस पहला वाला। ये करेक्ट, बाकी हो अगर पढ़ेंगे तो अब सी और डी डी में जो ऑप्शन है सकता कोई पढ़ सकता है डी में, कि कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल पर्सन टू कार्बन फुटप्रिंट, एक एक पर्सन पर कार्बन फुटप्रिंट निकालेगा अगर कॉस्ट, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, नहीं, निकल तो ये नहीं सकता है निकल तो कह रहा है सकता, कि लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन। होता है पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट, हाँ सोशल कॉस्ट।
सोशल सोशल कॉस्ट। ब्रॉड और बड़ा चाहिए। चलो हाँ सर, नेक्स्ट। अब सर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ना कि ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 50% से पल्स हाँ रिप्रोडक्शन। ये गलत है, करेक्ट मैं देख के गलत है। है 50% कोई नहीं होता है, 30, 20, 15 ऐसे होता है आसपास, इतना पड़े थे। ना। पर इसमें मतलब साल भर मानसी, साल भर हरा चना है। भारत में सब जगह मोमोज हरे चने की बन रहे हैं, ठीक है, चपाती हरे चने की बन रही है। मतलब तो पहला बिल्कुल सेकंड गलत हो गया, आंसर निकल गया सर वन। सही पकड़ा। इसमें देता 1 एंड 3 देता अगर चाहता अगर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने के यूपीएससी, मतलब और कुछ नहीं नहीं, दिया। सुन रहे हो, ब्लैक ग्राम भी नहीं है, ब्लैक एंड ग्रीन ग्राम भी गलत है अगर दोनों साथ में आ जाए तो। वो उसका भी बाप है, ब्लैक भी छोड़ दिया, काला चना तो हर कोई खा रहा है नवरात्रे पे, वो हरे चने पे चला गया। ले बेटा ले, अब हरा चना ही 90% को नहीं पता, देखा ही नहीं होगा आधी जनता ने। हरा चना तो थोड़ा सीजन में आता है वो हरा हरा। बोलिए फूल दाल केवल अभी। मूंग। हाँ सर मूंग है इसका, केवल मूंग। हाँ मूंग कहाँ से हो, मुझे नहीं पता था सर, मैंने तो वापस देखा था। नहीं तो मूंग भी नहीं हो सकता। मैं तो हरे चने को वो चने से दे रहा हूँ, वो भी नहीं होगा। सर ये अब ये तो भी अच्छा आंसर जब से प्रवेश ने बताया ना सर, हिंदी पढ़ लो, और साथ ही साथ तो है। ऐसे नहीं बीच सर में जहाँ बताया सर था, ने ग्राम होता तो सर छोड़ लिया। कॉटन है हाँ ना हाँ इसमें इसे क्या होगा, कॉटन है। इसमें हाँ कॉटन है सर, मैंने इसमें टू हंड्रेड कॉटन है टेन सर। फ्रॉस्टी डेज से ही पढ़ के निकाला कि कॉटन है। वेरी गुड वेरी गुड। लड़ो लड़ो, चलो आगे। 88 जल्दी। सोलर वॉटर सोलर पावर कैन बी कल्टिवेट कैन बी यूज फॉर रनिंग नॉट फॉर समरसेबल। नीचे तार डाल दे तो कर ही सकते यूज, हाँ तो गलत है दोनों पहला। सब में ही हो सेकंड में सकता लिखा हुआ है है, कि पावर है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए यूज करते हैं, पिस्टन के लिए यूज नहीं करते। पिस्टन को जोड़ ले मोटर से कहीं कर सकते हैं यूज, हाँ मतलब पावर की ऐसा बात बताया। हो रही है तो पावर हाँ तो हर जगह पावर की बात। इलेक्ट्रिकल उसमें हो सकती है। सोलर पावर कैन नॉट बी यूज फॉर टीवी, गलत कर ही गलत, सकते कुछ हैं। भी हाँ कुछ सब में कर भी। सकते सर। जी सर कोई भी सही नहीं है। कुछ भी मानते, कुछ भी चलेगा। सर इसमें अब हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें सेकंड ऑप्शन है, इसमें बोला डायरेक्ट प्लांटिंग। पहले तो सर इसको पढ़ना बहुत, एक एक शब्द में डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, तो जर्मिनेशन होगा वो बेटर होगा सिंगल बर्ड में एज या फिर कंपेयर टू सेट्स विद मेनी बर्ड। ऑब्वियस बात नहीं है, हाँ मैंने मेनी बर्ड बर्ड जहां एक साथ ज्यादा। होता है वहां पर ज्यादा होता है हमेशा, उल्टा दी वो सेकंड लग गलत है इसमें। थर्ड भी ठीक है, और गलत जब हाँ थर्ड में जाएंगे, थर्ड में लिखा है अगर खराब कंडीशन है वेदर का, अगर हम सेट को डायरेक्टली प्लांट करेंगे तब सिंगल बर्ड सेट ज्यादा सर्वाइवल देगा एज कंपेयर टू लार्ज सेट, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल। क्यों, क्या मतलब। ज्यादा लार्ज सेट है कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन में तो वो ही दूसरा ही बेटर होगा ना चलो सर। लार्ज सेट ज्यादा में तो चांसेस उसके ज्यादा सिंगल कभी होंगे। नहीं तो होता नेक्स्ट ना। क्वेश्चन, 90 सर, 90 में मैं बोलता हूँ सर, ये जो वर्टिकल फार्मिंग लिखा हुआ है ना सर फोर्थ में, सर इसमें ये एग्रीकल्चर नहीं वर्टिकल होता है, फार्मिंग अच्छी चीज होती है लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं है। अब सर मैं अच्छा अगर कोई बता दूं नहीं। इसका रीजन हाँ, इको तो मतलब फ्रेंडली हाँ है मेरा सर। गलत हुआ, मैंने 1, 2, 3 को मार्क किया था। इसका आंसर वन टू वर्टिकल थ्री फार्मिंग सर आजकल तो मतलब जो राष्ट्रपति भवन, जो रोड, जो हाँ अपने वहां ये पे भी है तो नाले होते हैं सर, इनको मतलब वर्टिकल सपोर्ट है ना नहीं कर रहे, वो। लोग उगाने लग गए सर हाँ वर्टिकल, तो सर इको भाई फ्रेंडली जरूरी नहीं है ना इको फ्रेंडली हो, मतलब आप वो हाई यील्डिंग वैरायटी लगा रहे हो, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। टमाटर आपने छत पे उगा दिए, थोड़ी ना कि वो इको फ्रेंडली हो गया। टमाटर कैसे उगाए, जीरो टिलेज है, प्रैक्टिस की बात हो गई। प्रैक्टिस तो वर्टिकल फार्मिंग इज नॉट ए प्रैक्टिस, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक टाइप ऑफ फार्मिंग। हाँ जी ठीक है सर। हाँ अभी सर ना सर, इसका इसे बैठ के 2 मिनट सोचे थे क्वेश्चन पे, उस समय में नहीं आ रहा। टाइप ऑफ फार्मिंग वर्टिकल फार्मिंग, सर इतना और समझ नहीं आ बाकी रहा था। तीनों जो है वो मतलब बता रहा है कि कैसे इको फ्रेंडली बने, तीनों जो बात कर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी करो। पर्टिकेशन आप देखो पता नहीं है लेकिन फिर भी मार निकाल सकते हो। सर यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आराम से निकल सकती है, बोल रहा है एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ओल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। तो ओल सारे के सारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मतलब फर्टिकेशन से कैसे डाल दोगे भाई। फिर फर्टिकेशन का तो क्या सर फायदा। पहली तीस चौथी स्टेटमेंट सही है सर। तो दो हटा दोगे तो काम हो जाएगा, एक दिन चार। मंत्री जी मंत्री सर सर मेरा क्या लेकिन बात, गलत हुआ है, क्योंकि क्यों सर मैंने मैंने सर फर्स्ट टाइम देखा ना कंट्रोल द एल्कलाइन एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन,
तो मैं सोचा कि एल्कलिनिटी नहीं होता, एसिडिटी होता है, एसिडिटी कम करने के लिए यूज करते हैं, तो मैंने वन ही काट कर आंसर निकाल दिया। सेकेंड में लिखा है जो उन्होंने बोला ना ऑल, तो ये और थोड़ा ध्यान दे दे तो हो जाता, ये ज्यादा गलत। चलो कोई नहीं कोई नहीं, यही तो पेपर है। चलो नेक्स्ट। ये नहीं पता था कोई हाँ ये मेरे को भी नहीं पता था, मिनट नहीं, मिनट में आशिक इसका उनका आंसर टू आंसर थ्री मान फोर है, लो, टू थ्री ठीक फोर है चलो नेक्स्ट। कोई बात नहीं, ऐसे भी आएगा क्वेश्चन कुछ। OMT। सर। इसमें देखो पहला वाला बोल रहा है 129 मीटर, मतलब कैसे एग्जैक्ट मेजर कर लोगे एग्जैक्ट, 129, हाँ यस, तो वन हाँ तो गलत हो गया, दूसरा वाला करेक्ट है। सर यहाँ पर है हाँ ना दूसरा, सर, जो पहली स्टेटमेंट में मानसी बोले ना 129, सर आइसोथर्म जो होती है वो पैरेलल लाइंस होती है लेटीट्यूड के, मतलब जो इक्वल टेम्परेचर को मीट करती हाँ है। सर होती है। आइसोथर्म का एक कंसेप्ट और होता है, जब इनको ठंड पसंद होती है, जहां पर ठंड वहां पर सरफेस के पास आ जाएंगी, जहां पर गर्मी वहां पर दूर चली जाएंगी। तो ये बोल रहा है हाँ 129 सर इन द साउथ, मतलब साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बोल हाँ रहा है 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी है कोई ज्यादा ठंड नहीं है, 129 मीटर, तो यानी ऊपर है, ज्यादा नीचे नहीं है सरफेस के। तो मेरे को लगा कि हाँ सर ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। दूसरे में कह रहा है कि जनवरी और मार्च के महीने में असेस कर सकते हो कि कितनी रेनफॉल आएगी मानसून के महीने में OMT से। तो सर मैंने दोनों स्टेटमेंट सही लगाई, लेकिन आंसर इसका शायद डी है, दोनों ही ओनली गलत टू है। इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। 1 गलत है ना। 129 मीटर एग्जैक्ट आप कैसे मेजर मैंने वही करोगे। सोचा था 129 मीटर। ठीक है, दिस दिस इज ऑब्वियसली, ऑल क्वेश्चंस कैन नॉट हैव यू नो वन आंसर। 94 94 सही है सर, कि इसमें पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, कमेटी ये गलत, गलत है सर। फर्टिलाइजर मतलब सब गलत है। इट इज गवर्नमेंट ड्रिवन, तभी तो भारत फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट है। दूसरा फर्टिलाइजर सब्सिडी सही है, बात, इम्पोर्ट तीसरा है प्रोड्यूस करना, तीसरा भी सही है, बाय प्रोडक्ट है ऑयल फैक्ट्री का सिंगल स्टेट से। नेक्स्ट ये नेक्स्ट। वाला, सर इसमें ये नंबर वाला बोल रहा है नो नो ह्यूमन देयर इज हैबिटेशन नो ऑफ प्लांट्स ह्यूमन को हैबिटेशन ऐसे। इन, तो ये गलत है। गलत जाबा जाबा, ही है, हाँ 1 इन 3 करेक्ट। चलो मानसी सही बोला, यानी जो कोई मतलब मानसी ऐसे ऐसे क्वेश्चन ठीक करती है जो लोग छोड़ते हैं, तुम कॉमन एरिया से बस। 96 सियाचिन, अब इसमें ऐसा अक्सा है चीन, पता है इस तरफ है उसका, अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आप चाइना चले गए, अगर नहीं पता है कहाँ पर है उतना अक्सा चीन पता है तो। फिर नॉर्थ ऑफ गिलगित, नॉर्थ गिलगित में जाएंगे तो आप अफगानिस्तान चले जाएंगे, हाँ और जो आप नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली ये अगर रखते हैं, ईस्ट ऑफ लद्दाख ले, ईस्ट ऑफ ले भी जाएंगे तो आप इस तरफ चले जाएंगे, चाइनीज तरफ चले जाएंगे, तो बचा सिर्फ नॉर्थ ऑफ नुब्रा ठीक वैली। बचा, मैंने भी ठीक ऐसे ही ठीक मार्क्स वेरी गुड। 97 97 गिरनर ये गुजरात, सर 1 1 3 इसमें करेक्ट थर्ड है तो पता है कि सर। द्वार करेक्ट। समुद्र, द्वार समुद्र सर हेलेबीड को बोलते हैं कर्नाटका में, हाँ बिल्कुल, वहां पर पानी का तालाब है। टू गलत हो गया। हाँ टू भिलसा पड़े सर उसको मध्य प्रदेश में, गलत तो हो गिरनर, गया। मैंने किया हाँ सर, तो सही किया मैंने मैंने पर ये लगा कि थर्ड तो ठीक है करेक्ट है, पर टू का मैंने सोचा कि शायद गुजरात में है, चलो तो कोई नहीं, आंसर ठीक हाँ तो गया। ठीक है। आर्किटेक्चर, होयसाला आर्किटेक्चर है ये। चलो हाँ जी नेक्स्ट, 98 इसमें सी जी डब्ल्यू ए, इट इज फॉर्म अंडर एनवायरमेंटल ईपीए, ट्रू सर। पहला लिखा है 36% क्लासिफाइड वो एक्सप्लॉयटेड, ये लिखा है तो ये गलत, 36% नहीं है, ये टेक्निकल तस्वीर मैंने इसमें सर ज्यादा है। सोचा कि एक्ट जो दे रखी है ना वो शायद गलत है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा, कोई पॉल्यूशन वाला कोई एक्ट होगा, तो मैंने 2 गलत ये मार्क। मैंने मार्क किया था, मैंने जब 2020 का पेपर निकाल मैं देख रहा था क्या क्या चेंजेस हुए, तो ये मैंने ऐसे ही किया था, मुझे सर लगा था सेकंड वाला ये कि ऐड डी गलत दिया। हाँ सर ये DTE यूनिवर्सिटी ने बुलाया था सर, वहाँ वहाँ से सही हो गया। तो ये 98 टेक्निकल98 ऐसे पेपर है, 98 क्या है, क्या, 23 98 कैसे, 2 एंड 3 है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर इरिगेशन है आफ्टर, मतलब चाइना से ही पड़े, और 99 जेट स्ट्रीम दोनों तरफ होता है, नॉर्थ में भी होता है साउथ में भी होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो पहला गलत हो गया। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ये से ट्रू है, सबका आई नहीं होता है, ट्रॉपिकल का होता है टेम्परेट का नहीं होता है ऐसा। टू ये लग, ओनली एंड थ्री सम यहाँ करेक्ट। लिखा हुआ है, ओनली सिर्फ नहीं लिखा। तो फिर द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेस देन द सराउंडिंग, ये जरूरी नहीं है सर ये वाला,
अगर ये टेम्परेचर साइक्लोन हो तो डिफरेंट हो। डिग्री से हाँ ही हाँ एग्जैक्ट टेन, एग्जैक्ट हाँ नियरली टेन, एग्जैक्ट टेन ऐसे दिखा। तो 3 वन रॉन्ग हो गया, 1 रॉन्ग हो टू गया, अब ओनली टू। ओके द लास्ट वन, ये सर, लार्जेस्ट क्रिटिकल हैबिटेट ये नागर सुन, नागर चुना सागर फिर मैंने से। इसको इसलिए मार्क किया सोच के कि इसका एरिया सबसे बड़ा है, तो वेरी ये गुड, बोलते हैं। ओके टू बट थाउजेंड कुछ। गुड, आई फाइंड दैट वी आर गेटिंग इनटू दैट जोन वेयर मोर पेशेंस एंड मोर स्मार्टनेस इज रिक्वायर्ड। वी विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।